एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का हमारा लेक्चर 5 करा था, और कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी थी। कल हम लोगों ने हमारे 3 टॉपिक्स डिस्कस करे थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकदम आसान सा था। सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस करा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का हम लोगों ने सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट डिस्कस करा था, ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं करा था। ट्रीटमेंट हम लोग हमारी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस करा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट्स भी डिस्कस कर लिए थे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स भी डिस्कस कर लिए थे। तो 3 टॉपिक्स हम लोगों ने कल कंप्लीट करे थे। अब आज हम लोग करेंगे हमारे फंडामेंटल्स का लेक्चर 6। आज की क्लास में अगेन हम लोग 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैनेजर्स कमीशन की, फिर हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कमीशन की, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करा जाता है। तो शुरू करते हैं, फटाफट से कॉपीज ले आओ, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। आज हम लोग टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे, चारों क्वेश्चंस को आपको कॉपी में प्रैक्टिस करना है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैनेजर्स कमीशन की। तो देखो, मैनेजर्स कमीशन समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं और याद करते हैं हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोगों ने क्लास 11th में भी सीखा था, इस चैप्टर के शुरुआत में भी मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले बनता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का काम हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं याद करो। इधर हम लोग दिखा रहे थे हमारी सेल्स, हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इधर दिखाते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। तो हमें क्या मिलता था, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। क्या मिलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर हम लोग लिख देते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो इसी के साथ में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का पता चल गया, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता था, और सेम अकाउंट के अंदर हम लोग कंटिन्यू करते थे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग नीचे उतारेंगे, यहां पर हम लोग लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ये हमारे पास में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस साइड में हम लोग हमारी अलग अलग तरह की इनकम्स दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में हमेशा क्या आती है, हमारी इनकम आती है। तो यहां पर हम लोग अलग अलग तरह की हमारी इनकम दिखाते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, और डेबिट साइड में हम लोग अलग अलग तरह के क्या दिखाते हैं, एक्सपेंसेस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट एक एक्सपेंस है, डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस है, सैलरी दी जा रही है एम्प्लॉइज को एक एक्सपेंस है, अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस दिखाते हैं। इन एक्सपेंसेस को माइनस करके हमें क्या मिलता है, हमारा नेट प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। मान लो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, उस सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, नेट लॉस मिलता है। क्या मिलता है, नेट लॉस। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे बाय नेट लॉस। तो यहां पर हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता है, या तो नेट प्रॉफिट मिलता है या फिर नेट लॉस मिलता है। और यही नेट प्रॉफिट हमारा कहां पर चले जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाता है। यहां पर लिखते हैं ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इस प्रॉफिट से हम हमारे पार्टनर्स को सैलरी दे देंगे, हमारे पार्टनर्स को कमीशन दे देंगे, बोनस दे देंगे, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जनरल रिजर्व्स में हम लोग कुछ पैसा ट्रांसफर कर देंगे, बचे कुछ प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देते हैं, पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। या फिर पार्टनर्स अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रहे हैं तो वो भी कहां आता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखो, मैनेजर्स कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, सबसे पहला टॉपिक, तो पहली बात तो ये हमारे पार्टनर का कमीशन नहीं है। पार्टनर कौन है, जैसे ए है, बी है, सी है, ये कौन है, हमारे पार्टनर्स हैं। अगर पार्टनर्स को कमीशन मिलता है तो वो कमीशन कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये क्या है, अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म ये सारी चीजें पे करेगी, सैलरी देगी, कमीशन देगी, आईओसी देगी, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहां पर किसका कमीशन आता है, ये कमीशन होता है हमारे पार्टनर का कमीशन। किसका कमीशन होता है, पार्टनर का कमीशन। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे मैनेजर साहब के कमीशन की। हमारी जो फर्म का मैनेजर है, कई बार वो भी कमीशन लेता है, और उसका कमीशन आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैनेजर का कमीशन हम लोग यहां दिखाएंगे टू मैनेजर्स
कमीशन, कहाँ दिखाएंगे? टू मैनेजर्स कमीशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। अब बहुत ध्यान से समझना, जितनी भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आती हैं उन्हें बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इस बात का मतलब क्या है? चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को ये एक्सपेंसेस पे करने ही पड़ेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं P&L के अंदर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट पे करना है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, फिर चाहे मैनेजर का कमीशन हो, ये सब चीजें क्या होती हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती हैं। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को ये एक्सपेंसेस पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन जितनी भी चीजें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स नहीं होती हैं। इन्हें बोला जाता है अप्रोप्रिएशंस, अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट के अंदर से अप्रोप्रिएशन है, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वगैरह पे करेगी। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो फर्म ये सारी चीजें पे नहीं करेगी। तो बेसिक चीजें समझ में आ गई कि मैनेजर्स कमीशन कहाँ पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, कंपल्सरीली P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद में हमें हमारे नेट प्रॉफिट का पता चलेगा, फिर इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को ये एक्सपेंस पे करना ही पड़ेगा। अब बात आती है ये मैनेजर्स कमीशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैनेजर का जितना भी कमीशन बनता है वो किस पर बनता है? नेट प्रॉफिट्स पे बनता है। इस कमीशन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहां पर हमारे पास में दो सिचुएशंस आती है, बहुत ही आसान सी है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑन प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है मैनेजर का जो कमीशन है वो किस पर है? प्रॉफिट्स पर है, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज निकालना है, बट यहां पर लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम लोग मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है इनटू रेट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपॉन 100। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स गिवन है 10,000, ये क्या है? प्रॉफिट है। और मैनेजर के कमीशन के लिए हमारे पास में रेट गिवन है कितना हो गया? 10% हो गया। तो हमें मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट कितना है हमारे पास में? 10,000 है, प्रॉफिट एक दिया, इनटू रेट कितनी है हमारे पास में? 10% है, नीचे हमारे पास में 100 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 100 इनटू 10, 1000 क्या हो गया? हमारे मैनेजर का कमीशन। क्या हो गया? मैनेजर का कमीशन। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। समझ में आया? इस बात का मतलब क्या है कि वे जितना भी प्रॉफिट है ना, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से अभी हम लोगों ने कमीशन माइनस नहीं करा है, और हमें तो कमीशन का अमाउंट भी नहीं पता ना, वो अमाउंट ही तो हमें निकालना है। अभी इस प्रॉफिट में से हम लोगों ने कमीशन माइनस नहीं करा है। कमीशन माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि ये वाला प्रॉफिट, इसका इतना परसेंटेज हमें क्या निकालना है? कमीशन निकालना है। बहुत ही सिंपल सा है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हम लोगों ने अभी इस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस नहीं करा है, हमें कमीशन का अमाउंट भी नहीं पता, सिंपल हमें इसका इतना परसेंटेज क्या देना है? कमीशन देना है। समझ में आ गया पहला केस? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 22,000, प्रॉफिट्स कितने गिवन है हमारे पास में? 22,000 गिवन है, एंड मैनेजर इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट्स। मैनेजर को कितना कमीशन मिलना चाहिए? 10% कमीशन मिलना चाहिए। यहां पर लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इस बिफोर पर आपको गौर देना है। अभी इस प्रॉफिट में से कमीशन का अमाउंट माइनस नहीं है, कमीशन का अमाउंट माइनस करने से पहले ये जो हमारे पास में प्रॉफिट आ रहा है इसका 10% क्या बनता है? कमीशन का अमाउंट बनता है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने फॉर्मूला देखा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारे पास में? 22,000 इनटू क्या है? रेट ऑफ कमीशन कितना है हमारे पास में? 10% है, अपॉन हम लोगों ने 100 कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो 220 इनटू 10 ये हमारे पास में आ गया 2200। कितना आया? 2200। तो याद रखना, अगर बिफोर लिखा हुआ है तो सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। पहला केस एकदम क्लियर है। सेकंड केस क्या कहता है? ऑन प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या लगाओगे? जितना भी प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो उसे मल्टीप्लाई कर दो रेट से। सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पर सिंपल 100 था, यहां पर 100 प्लस रेट है। इस बात का मतलब क्या है कि भाई ये जो प्रॉफिट आया ना, 10,000 प्रॉफिट आया, पहले इसमें से कमीशन माइनस करो। हमें पता ही नहीं है कमीशन का अमाउंट, कमीशन ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पहले इसमें से कमीशन माइनस करो, फिर जो आएगा हमारे पास में अमाउंट उसका 10% निकाल दो। 10% क्या मतलब, जितनी भी रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इस तरह से करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। एक बार करके देखते हैं, फिर मैं लॉजिक भी समझाऊंगी, बहुत ही ध्यान से समझना। प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 22,000, ये हमारे पास में क्या गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। अभी इसमें से कमीशन जो है वो माइनस नहीं है। मैनेजर को क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए 10% का, ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी आफ्टर लिखा हुआ आ जाए कैसे लगाओगे, हम लोगों को कमीशन निकालना है। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला है। जब बिफोर वाला क्वेश्चन है तब नीचे सिंपल 100 होगा, जब आफ्टर वाला क्वेश्चन है तब क्या होगा, 100 प्लस रेट होगा। अभी मैं लॉजिक भी समझाऊंगी। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास में, 22,000 हमारे पास में प्रॉफिट है। इनटू रेट कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 10% रेट गिवन है। नीचे हमें क्या करना है, 100 प्लस रेट कितनी है, 10 है। तो ये हमारे पास में आ गया 22,000 इनटू 10 अपॉन 110, दोनों को प्लस कर दिया, ये हम लोगों ने कैंसिल करा। 11 ones are 11, 11 twos are 22, 00, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है हमारे पास में कमीशन 2000, कितना आ रहा है कमीशन 2000। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना, ऐसा हम लोगों ने करा क्यों, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। लॉजिक समझा देती हूँ, लॉजिक से करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है। बिफोर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर आफ्टर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब ध्यान से समझना है फॉर्मूला बना कैसे है। यहां पर प्रॉफिट्स हमारे पास में ये गिवन है, रेट कितनी गिवन है, 10% गिवन है, लिखा है 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस कर दो, फिर जो हमारे पास में अमाउंट बचेगा ना उसका 10% क्या है, कमीशन है। तो हमारे पास में बेटा जी प्रॉफिट कितना है, 22,000 है, इसमें से सबसे पहले कमीशन माइनस कर दो। भैया जी कमीशन ही तो हम निकाल रहे हैं, कमीशन का अमाउंट हमें थोड़ी ना पता है। तो अज्यूम कर लो, लेट कमीशन बी एक्स, कमीशन कितना है, एक्स है। तो प्रॉफिट में से सबसे पहले कमीशन माइनस कर दो, ठीक है, कर दिया। फिर जो हमारे पास में अमाउंट आ रहा है, प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दिया, अब जो अमाउंट आया है उसका 10% निकालो। उसका जब हम 10% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, और कमीशन हम लोगों ने कितना अज्यूम करा है, एक्स है। समझ में आया, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल हो गया, ऊपर 1 है, तो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट वाला है वो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो एज इट इज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22,000 माइनस एक्स आ जाएगा। नीचे हमारे पास में क्या बचा है, सिर्फ 10 बचा है, इक्वल्स टू क्या है, x है। नीचे यहां कुछ नहीं है, 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल कितना आएगा हमारे पास में, 22,000 माइनस x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 इनटू x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो 22,000 इज इक्वल टू 10x, इस x को यहां ले आओ, कितना हो गया, प्लस x हो गया। 22,000 इज इक्वल टू 11x, x की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू, सामने क्या है हमारे पास में, 22,000, नीचे क्या आ जाएगा, साथ वाला 11 आ जाएगा, 11 टूजा, आगे 3 जीरो है, कितना आ रहा है, 2000। x का मतलब क्या है, कमीशन, x हम लोगों ने कमीशन माना था ना कि कमीशन x है, तो कमीशन कितना आ गया, 2000। सेम देख लो फॉर्मूला से भी, हमारा कमीशन कितना आ रहा था, 2000। तो इतनी सारी रामायण करोगे, अपने कमीशन को x मानोगे, इतना कॉम्प्लिकेट करोगे, इससे अच्छा आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया। तो मैंने क्या समझाया कमीशन के अंदर, कि पहली बात तो जो मैनेजर का कमीशन है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं आएगा। तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन गिवन है, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, मैनेजर का कमीशन दिखाओगे, उसके बाद में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। दूसरी चीज मैंने यहां पर क्या बताई आपको, कि मैनेजर का कमीशन
क्वेश्चन जब हम निकालते हैं तो क्वेश्चन के अंदर दो सिचुएशंस गिवन हो सकती हैं, प्रॉफिट्स पर निकालना है बट कौन से प्रॉफिट्स, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट्स, कौन से प्रॉफिट्स, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि प्रॉफिट में से वो कमीशन ऑलरेडी माइनस है, भैया जी हमें कमीशन का अमाउंट ही नहीं पता, इस सिचुएशन में आप एक्स वगैरह नहीं मानोगे, आंसर सेम आएगा, आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन पर आ जाएं, आज चार क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अलग अलग तरह के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बहुत ही ध्यान से समझना। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2। अच्छा जी, A और B कौन है, दो partners हैं, profits किस ratio में share कर रहे हैं, 3:2 के अंदर। ये क्या है, profit sharing ratio, हमारा PSR है। इनकी capitals कितनी है, 5 lakh और 3 lakh respectively। A की capital है 5 lakh, B की capital है 3 lakh। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, 6% पर एनम बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। बी जो हमारा पार्टनर है उसे एनुअल सैलरी भी मिलती है, एनुअल मतलब पूरे साल की सैलरी गिवन है, हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरे साल की सैलरी कितनी है 60,000। कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। During the year 2022-23, the profits prior to the calculation of interest on capital, but after charging B's salary amounted to be ₹1,80,000। बहुत ही गौर करने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना। ये जो साल है हमारा, इस साल हमारे profits given हैं। कौन से profits given हैं? Profit prior to the calculation of interest on capital। ये profits हमारे पास में given हैं। अभी हम लोगों ने इन profits में से interest ऑन कैपिटल को माइनस नहीं करा है, और अच्छी बात है यार, हम लोग पहले वाले प्रॉफिट्स ही लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग माइनस करेंगे ना। ध्यान करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, तो हमेशा जो भी हम लोग प्रॉफिट लेते हैं ना, वो हर चीज चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट होता है, हर चीज माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट होता है, हम लोग हमारे हिसाब से चीजों को माइनस करते हैं। तो हमारे पास में जो प्रॉफिट है वो IOC से पहले वाला प्रॉफिट है, प्रायर मतलब पहले वाला प्रॉफिट है, और हमेशा याद रखना हम पहले वाला प्रॉफिट ही लेते हैं, हर चीज से पहले वाला प्रॉफिट लेते हैं, हर एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद में हम अपने आप चीजों को माइनस करते हैं। बट यहां पर लिखा है बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000, लेकिन बी की सैलरी हम लोगों ने चार्ज कर दी, लिखा है ना आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, कि ये जो 1,80,000 प्रॉफिट आया है ये कैसे आया है, बी की सैलरी माइनस करके आया है, हम लोगों ने ऑलरेडी B की सैलरी माइनस कर दी, ये गलत कर दिया। मैंने क्या बताया, हमें सबसे पहले वाला प्रॉफिट लेना है, कि प्रॉफिट में से कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए, अगर कुछ माइनस हो गया तो हम उसे दोबारा से प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस करने का काम हमारा है, ये सारे काम हम करेंगे किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। बी की सैलरी हम लोग कहां दिखाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे ना, बट यहां पर लिखा है भाई बी की सैलरी पहले से चार्ज कर दी, माइनस कर दी, तो हमें हमारे प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना दिखाया जा रहा है यहां पर, यहां पर प्रॉफिट दिखाया जा रहा है 1,80,000, यही प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। हम इस प्रॉफिट के अंदर से ये जो बी की सैलरी माइनस हो चुकी है उसे हम दोबारा प्लस कर देंगे। बी की साल भर की सैलरी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 60,000 है, इस 60,000 को हम दोबारा प्लस करेंगे। ये गलती कर दी, ये काम हमारा करने का है, क्वेश्चन हमें करके नहीं देगा। तो ये हमारे पास में एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,40,000। ये क्या है, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने इस शीट पर स्ट्रेस डाला है, हमेशा याद रखना। अ प्रोविजन 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager। अच्छा, अब manager साहब को commission मिलेगा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कितना मिलेगा, 5% of the profit। कौन सा profit, ये वाला profit, क्योंकि ये profit गलत था हमारा, हम इस profit के according चलेंगे जो हमारा नया profit है adjustment करने के बाद में। अब देखो, आप यहाँ पर सोचोगे भाई manager के commission में ना यहाँ पर before लिखा है, ना यहाँ पर after लिखा है, इस situation में हम लोग क्या करें, अगर question silent है, question में mention नहीं है, तो आप हमेशा before वाला case लेकर चलोगे, यानी कि ये पहले वाला case लेकर चलोगे, profit into rate upon 100, manager का
कमीशन निकालने के लिए। आगे क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बिल्कुल बना देंगे, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और साथ ही साथ में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2023, कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिखाना है, मैनेजर का कमीशन दिखाना है। मैंने क्या बताया, मैनेजर का कमीशन हमेशा कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर का बैंड हो रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। एक काम करते हैं, यहां पर प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, कितने के प्रॉफिट्स हो रहे हैं हमारे पास में, 240,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हम लोगों को सैलरी से पहले वाला प्रॉफिट लेना है। ये जो प्रॉफिट है 180,000, इसमें सैलरी ऑलरेडी माइनस है, हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम लोग सिंपल सा प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप लिख दो बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, ये क्या है हमारे इस साल के प्रॉफिट हैं, बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। और इधर दिखा दो कि भाई प्रॉफिट बुक के अंदर कितना दिखा रखा है, 180,000, इसमें हम लोग हमारे बी की सैलरी प्लस करेंगे, बी की सैलरी कितनी है 60,000, तो हमारे पास में एक्चुअल प्रॉफिट कितना बनता है, 240,000, कितना बनता है 240,000, समझ में आ गया। अच्छा, आपको है ना वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं, जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है तब लास्ट के अंदर आप क्या बनाओगे, वर्किंग नोट्स। उस वर्किंग नोट्स के अंदर आप सारी की सारी चीजें लिखोगे, जितनी भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो। यहां पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, हम लोगों ने बी की सैलरी माइनस कर दी ना, उसे एडजस्ट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बीस सैलरी, बी की सैलरी चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास में आए थे 180,000, उसमें हम लोगों ने बी की सैलरी को दोबारा से प्लस कर दिया, तो ये प्रॉफिट हमारे पास में कितने आ रहे हैं, 240,000, हमें ये प्रॉफिट लेकर चलने हैं। तो सारी कैलकुलेशन आप कहां पर दिखाओगे, वर्किंग नोट्स के अंदर, 240,000 आ गया। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे, हमारे मैनेजर साहब का कमीशन दिखाएंगे। तो यहां पर लिख दो टू मैनेजर्स कमीशन, ध्यान रखना मैनेजर का कमीशन आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर का कमीशन आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कितना है मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन है 5%, कितना है 5% है। तो ये भी हम लोग हमारे वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मैनेजर्स कमीशन कितना बनता है, हमारे मैनेजर साहब का कमीशन जो हमारा फ्रेश प्रॉफिट आया ना वो हमें लेना है, ये वाला प्रॉफिट, इसीलिए हम लोगों ने निकाला है। इसका 5% कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम बिफोर वाली सिचुएशन लेके चलेंगे, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है हमारे पास में, 2400 × 5, ये हमारे पास में आ गया मैनेजर का कमीशन 12,000। ये क्या है हमारे मैनेजर साहब का कमीशन है, मैनेजर का कमीशन आ गया 12,000। सिर्फ यही दिखाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो यहां पर आ रहा है 240,000, यहां पर भी हम लोग लिखेंगे हमारा 240,000, और ये बचा कुचा हमारे पास में अब क्या आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L appropriation अकाउंट, ये हमारा नेट प्रॉफिट कहा गया P&L appropriation अकाउंट के अंदर। निकाल देते हैं कितना आ रहा है, 240,000 में से माइनस कर दो 12,000, तो ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 2,28,000, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट उतार रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें प्रॉफिट हुआ है तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट हुआ है एज पर P&L अकाउंट, एज पर P&L अकाउंट कितना आया है हमारे पास में नेट प्रॉफिट, 2,28,000 हमें प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट में से हमें अप्रोप्रिएशंस करने हैं। सबसे पहला अप्रोप्रिएशन बी की सैलरी बनती है साल भर की कितनी, 60,000, ये सैलरी पहले से पे कर दी थी इसलिए हम लोगों ने यहां पर दोबारा पे करी थी, क्योंकि ये हमारा काम है, अगर क्वेश्चन पहले से कुछ पे करके रखता है तो हम दोबारा से प्लस कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे 2,20 सैलरी, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टली एनुअल सैलरी हमारे पास में गिवन है, ठीक है भाई, बी को सैलरी दे दी। दूसरा काम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, किस किस को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को भी देना है, बी को भी देना है। तो हम लोग वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैलकुलेट करते हैं, बी का कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख, और कितना बनता है आईओसी 6% पर एनम, 5 लाख और 3 लाख। तो निकाल देते हैं 5 लाख कितना बनता है आईओसी 6%, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया 30,000 ए का। सेम ऐसे ही बी का निकालते हैं, कितना है 3 लाख इंटू 6%, तो 6 3 18, ये हमारे पास में आ गया 18,000। तो आईओसी दोनों का आ रहा है 30,000 और 18,000। दिखा देते हैं 30,000 और 18,000, तो ये हमारे पास में टोटल हो गया 48,000। और कुछ हमें पे करना है क्वेश्चन के अंदर चेक कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो गया, सैलरी का काम हो गया, मैनेजर्स कमीशन का काम हम लोगों ने पहले ही कर दिया, बस क्वेश्चन खत्म। अब हमें क्या करना है, हमारे बचे कुछ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कौन से रेशियो के अंदर, 3:2 के अंदर जो क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास में 2,28,000, यहां पर भी सेम लिख दो 2,28,000, इन दोनों को प्लस करो, ये हमारे पास में आ रहा है 1,08,000 ना, तो 2,28,000 में से हमें माइनस करना है 1,08,000, हमारे पास में बचता है 1,20,000। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है जो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट और यहां पर आ जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैसे ट्रांसफर करेंगे 1,20,000 को, तो रेशो है 3:2 है ना हमारे पास में, तो मैं फोर्थ कैलकुलेशन मेरी यहां कर देती हूं, आगे स्पेस है क्या, नहीं है, तो यहां पर कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ए को कितना मिलेगा बालकों, ए को मिलेगा 1,20,000 प्रॉफिट है, हमारा रेशो कितना है 3:2 है, ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, तो ए के लिए 3 होगा, नीचे 3 + 2 = 5 आ जाएगा, कैंसिल करा, 5 2 = 10, 2 बचा, 5 4 = 20, 24,000 इंटू 3, तो 24,000 इंटू 3, ये हमारे पास में आ रहा है 72,000। सेम ऐसे ही बी का भी निकालते हैं, 1,20,000 इंटू बी का शेयर कितना है हमारे पास में 2, नीचे 5 आ गया, कैंसिल करके हमारे पास में आ रहा है 24,000, तो ये हो गया हमारे पास में रुपीस 48,000, 72,000 और 48,000, तो ये हो गया ए का 72,000, बी का हो गया हमारे पास में 48,000। समझ में आ गया, इस प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी को। अब हमें क्या करना है, साथ ही साथ में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग हैं, तो हम क्या मान के चलते हैं कि कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, और जब फ्लक्चुएटिंग होती है तब सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है जिसे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड होती तो कैपिटल अकाउंट अलग बनता, करंट अकाउंट अलग बनता। तो बनाते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये डेबिट साइड है, डेट पर्टिकुलर्स हमारे पार्टनर्स के नाम, डेट पर्टिकुलर्स ए और बी हमारे पार्टनर्स के नाम, क्रेडिट साइड। अब देखो, जो भी चीज, जिस भी चीज की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, जिन भी चीजों की वजह से पार्टनर्स के पास में पैसा आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, उसे हम लोग दिखाएंगे हमारे क्रेडिट साइड, और जिन भी चीजों की वजह से हमारे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, उनके जेब से पैसा जाता है, उसे हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड के अंदर। सबसे पहले हम हमारी कैपिटल्स लिख देते हैं, तो कैपिटल कितनी थी, 5 लाख और 3 लाख कैपिटल थी। बिजनेस कब शुरू हुआ है हमारा, 2022 के अंदर शुरू हुआ है ना, एक साल पीछे चले जाओ, तो 2022 के अंदर बिजनेस शुरू हुआ है, और बात हो रही है 1 अप्रैल की, तो कैपिटल कितनी थी, बैलेंस हम यहां पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल हमारे पास में थी 5 लाख और 3 लाख, ये हमारे पास में हमारे पार्टनर्स की कैपिटल थी। अब पार्टनर्स को मिल क्या क्या रहा है, सबसे पहली बात बी को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है 60,000 की। जितनी भी चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने यहां पर दिखाई है, ये कहां पर चले जाएंगी, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो बी को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। अब जितना भी काम है मिलने वाला, वो साल एंड होने पर होता है, साल कब एंड हो रहा है, 2023 31 मार्च, तो 31 मार्च सबसे पहले दिखाएंगे बाय
सैलरी, बाय सैलरी, ए को नहीं मिल रही, बी को मिल रही है, कितने की सैलरी मिल रही है 60,000, और क्या मिल रहा है, दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 30 और 18, तो सेम डेट पर 31 मार्च बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को मिल रहा है, एक को मिल रहा है 30,000, एक को मिल रहा है 18,000, और क्या मिल रहा है हमारे पार्टनर्स को, हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिल रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये चीजें हमें कहां से मिल रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो यहां पर सेम डेट पर हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ब्रैकेट में लिख देना शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो लॉस को हम लोग कौन सी साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में लिखाते हैं, वहां पर लिखते शेयर ऑफ लॉस, कितना प्रॉफिट हो रहा है 72 और 48, तो ये आ गया 72,000, ये हमारे पास में आ गया 48,000, अगर मान लो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्वेश्चन में मेंशन होता या फिर क्वेश्चन के अंदर ड्रॉइंग्स मेंशन होती तो वो सारी चीजें हम लोग कहां पर दिखाते, कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में दिखाते, एडिशनल कैपिटल आती उसे हम लोग यहां पर दिखाते, अगर मान लो कैपिटल विड्रॉ करी जाती उसे हम लोग यहां पर दिखाते, बट ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है ना, इस साइड का टोटल कर लो कितना आ रहा है 5,30,000 और 72,000, तो ये हो गया हमारे पास में 6,02,000, कितना हो गया 6,02,000, इस साइड का टोटल करो 3,60,000 और 18,000, तो ये हो गया 3,78,000, 3,78,000 प्लस साथ में 48,000, तो ये हमारे पास में आ रहा है 4,26,000, इस साइड में कुछ भी गिवन नहीं है, यही लिख दो 6,02,000 और ये कितना था 4,26,000, सिंपल सा हम लोग लिख देंगे 2023, जब 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या है हमारा क्लोजिंग बैलेंस है या फिर बैलेंसिंग फिगर है, कुछ भी यहां पर मेंशन नहीं है, तो एज इट इज यही बैलेंस आ जाएगा, माइनस करने के लिए तो कुछ है नहीं, 6,02,000 और 4,26,000, तो समझ में आया, एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों ने करा, यहां पर सिर्फ ये अलग था कि मैनेजर्स कमीशन अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो उसे आप कहां दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और हमें जो भी प्रॉफिट्स लेने हैं वो हर अप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए, प्रायर टू एवरी अप्रोप्रिएशन, यहां पर क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले वाला प्रॉफिट है, बट इसके अंदर हम लोगों ने बी की सैलरी ऑलरेडी चार्ज कर दी यानी कि माइनस कर दी, तो उसे हम लोग क्या करेंगे दोबारा प्लस करेंगे, हम लोग करेक्ट प्रॉफिट लेकर चलेंगे, समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए और बी कौन है, एक फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, ए को सैलरी मिलती है कितनी 15,000 पर मंथ, एक महीने की सैलरी है, तो अगर हमें ए की साल भर की सैलरी निकालनी है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स, ए को कमीशन भी मिल रहा है कितना 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब ये पहले वाली सिचुएशन हो गई, ध्यान रखना ये मैनेजर्स कमीशन नहीं है, ये मैनेजर्स कमीशन नहीं है, ये पार्टनर का कमीशन है, ए कौन है पार्टनर, और पार्टनर का कमीशन कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है, बट बिफोर आ रहा है आफ्टर आ रहा है इसका ट्रीटमेंट सेम होगा, जो वहां पर फॉर्मूला लगाए थे ना प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 या फिर आफ्टर में फॉर्मूला था प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, फॉर्मूलाज यहां पर भी वही लगेंगे, चाहे मैनेजर का कमीशन हो चाहे पार्टनर का कमीशन हो, बस दिमाग में रखना अगर मैनेजर का कमीशन है तो पी एंड एल अकाउंट के अंदर दिखाओगे, अगर पार्टनर का कमीशन है तो इसे कहां पर दिखाओगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाओगे, तो पार्टनर का कमीशन है, मैनेजर का कमीशन नहीं है, पी एंड एल अकाउंट नहीं बनेगा, तो यहां पर ए को क्या मिलता है 10% कमीशन भी मिलता है, वो भी किस पे, नेट प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, सिंपल फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 क्योंकि बिफोर यहां पर लिखा हुआ है, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, बी को भी कमीशन मिलता है, वो भी कितना 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बट कौन से नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, खुद का कमीशन चार्ज करने के बाद वाला नेट प्रॉफिट, तो खुद का कमीशन कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है वो लिखेंगे,
इनटू हमारी रेट लिखेंगे और नीचे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 100 प्लस रेट। समझ में आ गया यहां तक कोई डाउट? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 वाज 4,40,000। हमें प्रॉफिट्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। सबसे पहले हम लोग हमारे प्रॉफिट्स लिखेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, प्रॉफिट है, तो लिख देना प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। ये क्या है, हमारे नेट प्रॉफिट है, ऊपर नेट भी लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। कितना है हमारा नेट प्रॉफिट, हर चीज से पहले का प्रॉफिट दे रखा है, कुछ भी गिवन नहीं है ना कि कुछ चार्ज कर दिया, तो सिंपल हमारा प्रॉफिट कितना है, 4,40,000। ये लिख दिया हम लोगों ने हमारा प्रॉफिट। अब इसमें हम अलग अलग एक्सपेंसेस पे करेंगे। सबसे पहला एक्सपेंस क्या है कि ए को सैलरी मिल रही है, तो सबसे पहले ए को सैलरी देते हैं, टू एज सैलरी। ए की सैलरी कितनी बनती है, यही कैलकुलेट कर लो वर्किंग नोट में करने की बजाय, पर मंथ की 15,000 है, तो इसे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15,000 इंटू 12, ये हमारे पास में आ रही है 1,80,000। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद में हमें कमीशन पे करना है दोनों को, तो यहां पर लिखते हैं टू कमीशन। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, फिर हम लोग बी का निकालेंगे। तो चलो भाई पीछे वर्किंग नोट में कमीशन कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ एस, कैलकुलेशन ऑफ एस कमीशन कैसे निकालेंगे। ए के कमीशन के लिए हमारे पास में क्या गिवन है, एस कमीशन इज 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कोई भी कमीशन हम लोगों ने माइनस नहीं करा है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका 10% निकाल दो। बिफोर लिखा हुआ है, तो बिफोर वाला हम लोगों ने सीखा था फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन है 4,40,000, 4,40,000 इनटू कमीशन कितना बनता है, 10% कमीशन है हमारे पास में, तो 10% कमीशन अपॉन 100 आ गया, तो कितना आ रहा है ए का कमीशन हमारे पास में, 4,400, 44,000। ये किसका कमीशन आ गया, ए का कमीशन आ गया 44,000। ठीक है भाई, ए का कमीशन निकाल दिया। अब बी के कमीशन के लिए कंडीशन क्या गिवन है, वही 10% है नेट प्रॉफिट्स पर, बट नेट प्रॉफिट्स कौन से, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, खुद बी का कमीशन माइनस कर दो, फिर जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसका 10%। तो भाई बी का भी निकाल देते हैं हम लोग कमीशन, कमीशन ऑफ बी, बी का कमीशन निकालते हैं, जो भी हमारे पास में प्रॉफिट्स है प्रॉफिट्स लिए, इनटू रेट कितनी है 10% है, अपॉन हो जाएगा 100 प्लस रेट कितनी है 10 है हमारे पास में रेट, तो 4,40,000 इनटू 10 अपॉन 110, ये कैंसिल हो गया, 11 ones 11 4 0 फिर सिंगल 0, तो ये हमारे पास में आ रहा है 40,000। कितना आ गया, 40,000। बी का कमीशन कितना आ गया हमारे पास में, 40,000। तो यहाँ पर टोटल कमीशन हमारे पास में हो गया 84,000। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो बी के कमीशन के लिए लिखा था बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मान लो इसकी जगह पर लिखा हुआ होता बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन, बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन, इस बात का मतलब क्या है ऑल कमीशन, कि खुद बी का कमीशन तो माइनस करना ही है, उसका ट्रीटमेंट तो हम लोग कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बट ऑल के अंदर ए का कमीशन भी आ जाता है ना, तो अगर ऑल कमीशन लिखा हुआ होता तब हम कैसे निकालते, तब हम हमारे प्रॉफिट कितने हैं, 4,40,000 प्रॉफिट है, तब हम लोग क्या करते, पहले जो प्रॉफिट है 4,40,000 उसमें से ए का कमीशन माइनस करते, क्योंकि ऑल द कमीशंस लिखा है ना, ए का कमीशन कितना आ रहा था हमारे पास में, 44,000 आ रहा था, ये 44,000 माइनस कर दिया, तो अब ये कौन सा कमीशन आएगा हमारे पास में, कि भाई ए का कमीशन हम लोगों ने माइनस कर दिया, बट बी का कमीशन अभी माइनस नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते, अब जो प्रॉफिट आता उसके आगे करते हम लोग इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों कमीशंस माइनस होने चाहिए, तो ए का कमीशन माइनस कर दिया और यहां पर ये फॉर्मूला लगा रहे, इसका मतलब क्या है कि बी का कमीशन भी माइनस हो गया, तो
इन छोटी छोटी सी चीजों को आपको दिमाग में रखना है कि ऑल कमीशन होता तो पहले ए का माइनस करते फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते, बट क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बी का कमीशन के लिए लिखा था बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। समझ में आ गया? इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ है क्या? कुछ नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमें हमारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस चीज को लेके, तब हम प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि हमारा रेशियो होता है 1:1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले भी बता रखा है। तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कितने हैं हमारे पास में हमारे प्रॉफिट्स? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट और ये हमारे पास में आ जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट निकालते हैं, टोटल कितना है यहां पर? 4,40,000। सेम यहां पर भी आएगा 4,40,000। ये कितना है? 1,80,000 और 84। 1,80,000 प्लस 84,000 या रहा है 2,64,000। इसको हम माइनस कर देते हैं किसमें से? 4,40,000 के अंदर से, 4,40,000 में से। तो ये हमारे पास में आ रहा है 1,76,000। इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में गिवन नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? इसे 2 से डिवाइड कर दो कि दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो 1,76,000 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब ए को भी मिल रहा है 88,000 और बी को भी मिल रहा है 88,000। निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, मैं यहां पर बता देती हूँ। प्रॉफिट्स ये हैं, रेशो कितना हो गया? 1:1 हो गया ना इक्वली, तो ए को मिलेगा 1 और दोनों का टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। तो वही है, 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा हमारे पास में? 88,000। सेम ऐसे ही बी का भी निकालेंगे, 76,000 इंटू बी का शेयर कितना है? 1, नीचे दोनों का टोटल आएगा तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास में? 88,000। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से। यहां पर सिर्फ ये चीज थी कि एक वाला बिफोर था और एक वाला आफ्टर था, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। देखो, हो सकता है मेरे लेक्चर्स थोड़े से लेंथी हो, बट मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूं कि इन लेक्चर्स के अंदर सारी चीजें कवर हो। ऐसा नहीं है कि भाई जर्नल एंट्रीज मैंने मिस कर दी तो आप लोगों को बाद में जर्नल एंट्रीज में दिक्कत आ रही है। आई वांट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 2:1 के अंदर, विद कैपिटल्स दिस एंड दिस। 10,00,000 और 5,00,000 कैपिटल है इस डेट को। एवरी पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 8% पर एनम। बी को सैलरी मिलनी चाहिए 3,500 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर मंथ की है। साथ ही साथ में कमीशन भी, और वो भी कैसा? 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा है कि हमारे बी को कमीशन भी मिलेगा, वो भी कितना? 10%, वो भी किस पर? नेट प्रॉफिट पर। बट कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि भैया जी, जो भी नेट प्रॉफिट हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सबसे पहले तो उसमें से आईओसी माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, एंड सैलरी प्लस बी की सैलरी भी माइनस कर दो, ठीक बात है? फिर जो प्रॉफिट बचा उसमें से भी क्या माइनस होना चाहिए? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका खुद का कमीशन भी माइनस कर दो। बट बी का खुद का कमीशन तो हमें पता ही नहीं है, तो यहां पर जो भी प्रॉफिट आएगा उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। इस 100 प्लस रेट का मतलब ही क्या है? यहां पर लिखा है ना, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, के खुद का कमीशन भी माइनस कर दो। यानी कि ये जो यहां पर अमाउंट आया, इसमें से पहले खुद का कमीशन माइनस करो। खुद का कमीशन हमें पता नहीं है कितना है, एक्स है, इनटू जो भी रेट है, अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास में? 100 इक्वल्स टू हमें एक्स पता चलेगा। तो ये प्रोसेस करने की बजाय खुद का कमीशन माइनस करने के लिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, इनटू 100 इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट्स हमारे पास में गिवन है, वो भी आईओसी से पहले वाला प्रॉफिट, ठीक है भाई, हमें पहले वाला ही चाहिए। बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, दोबारा से यहां पर क्वेश्चन ने गड़बड़ कर दी कि बी की सैलरी क्वेश्चन चार्ज कर चुका है, बी की सैलरी ऑलरेडी क्वेश्चन माइनस कर चुका है, बी की सैलरी माइनस करके ये प्रॉफिट आ रहा है, तो हमें दोबारा से बी की सैलरी क्या करनी पड़ेगी? प्लस करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले क्या करना है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर हमें जर्नल
एंट्रीज पास करनी है, फिर हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाना है और हम ये मान के चलेंगे कि कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड है। जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो एक तो हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट और एक हमारा बनता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो वो आएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, या फिर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ कर लिया है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, विड्रॉ कर लिया है, वो आता है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, सब किस में आता है, करंट अकाउंट के अंदर आता है। क्वेश्चन में कहीं पर भी मैनेजर्स कमीशन की बात नहीं कर गई है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2023 को, तो सबसे पहले यहां पर लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम हमारे प्रॉफिट्स उतार रहे हैं और ये क्या है, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। ये हमारे पी एंड एल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है। कितना आ रहा है प्रॉफिट, 4,50,000, बट इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी सैलरी क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, तो हमें सैलरी को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि गलत चीज माइनस कर दी। तो हम सबसे पहले ये काम करते हैं, 4,50,000 हमारे पास में क्या है, प्रॉफिट है, 4,50,000 हमारे पास में प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से हम दोबारा बी की सैलरी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब बी की सैलरी कितनी बनती है, बी की सैलरी यहां पर लिखा है 3,500 पर मंथ है, तो हमें साल भर की सैलरी निकालनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बी की सैलरी को प्लस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बी की सैलरी निकाल लेते हैं। जर्नल एंट्री की स्पेस है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, यहां पर हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं, वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहले बी की सैलरी निकाल रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ बीस सैलरी पर मंथ की सैलरी कितनी है, 3,500 × 12 कर देते हैं, तो बी की सैलरी आ रही है 3,500 × 12 42,000। कितनी आ रही है, 42,000 बी कमा रहा है पूरे साल का, 42,000। इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो ये है 4,50,000, इसमें बी की सैलरी प्लस कर देते हैं, कितनी है 42,000, तो ये हमारे पास में आ रहा है 4,92,000। कोई दिक्कत यहां तक? अब हमें हमारे सारे के सारे काम करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी को सैलरी ही देंगे। बी की सैलरी कितनी है हम लोगों ने निकाल ली, तो यहां पर लिखते हैं 2,20 सैलरी। अगर कोई एक्सपेंस पहले से माइनस है तो हम उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बी की सैलरी कितनी आ रही थी, 42,000 आ रही थी, ठीक है भाई, एक काम कर दिया। उसके बाद में पार्टनर्स को आईओसी भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 8% पर एनम, तो यहां पर लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का भी और बी का भी कितना बनता है, 8% बनता है। मैं पीछे वर्किंग नोट्स में नहीं कर रही, आप लोग कर लेना। हमें क्या करना है, ए की कैपिटल कितनी है, 10 लाख है, 10 लाख का 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ना, तो 8% कितना आएगा हमारे पास में, 80,000 आएगा, तो ये हमारे पास में आ गया 80,000। निकाल लोगे ना वर्किंग नोट्स के अंदर, ये तो ईजी है। साथ में बी की कितनी है, 5 लाख है, 5 लाख का भी 8% निकाल देते हैं, तो 5,00,000 × 8/100, तो इसका आ रहा है हमारे पास में 40,000। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना हो गया, ये दोनों को प्लस करके आ रहा है 1,20,000। और क्या पे करना है, क्वेश्चन के अंदर देखो, बी की सैलरी हो गई, हाँ, बी को जो है वो कमीशन मिलेगा कितना, 10%, वो भी किस पे, नेट प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट्स के अंदर निकालते हैं हम लोग बी का कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ बीस कमीशन, हम लोग बी का कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, नेट प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, 4,92,000, उसमें से आईओसी माइनस कर दो 1,20,000, 4,92,000 में से आईओसी माइनस कर देते हैं, तो 4,92,000 में से सबसे पहले आईओसी माइनस कर दिया 1,20,000, एक काम कर दिया। और क्या माइनस करना है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है, यहां पर मेंशन है His salary, उसकी खुद की सैलरी भी माइनस करो, तो खुद की सैलरी कितनी है, बी की खुद की सैलरी है 42,000, इसे भी माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर देते हैं। अब कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास में वो निकालते हैं, 4,92,000, उसमें से सबसे पहले आईओसी भी माइनस कर दो,
उसमें से हम लोग 42,000 उसकी खुद की सैलरी भी माइनस कर देते हैं, अब हमारे पास में प्रॉफिट आ रहा है 3,30,000। समझ में आया? आगे क्वेश्चन कहता है उसका खुद का कमीशन भी माइनस कर दो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, बट खुद का कमीशन हम माइनस कर नहीं सकते। और हमारे पास में रेट कितनी गिवन है यहाँ पर कमीशन की, कमीशन की रेट हमारे पास में गिवन है 10%। तो कैसे निकालेंगे हम लोग हमारा कमीशन का अमाउंट कि जो भी प्रॉफिट आया है वो इनटू रेट, रेट 10% है, अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि खुद का कमीशन भी माइनस करना है, आफ्टर चार्जिंग है ना, और खुद का कमीशन माइनस करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो 3,30,000 इनटू 10 अपॉन 110, ये दोनों कैंसिल हो गए, 11,30,000, 30,000 इनटू 1 वही आएगा 30,000, ये हमारा आ गया बी का कमीशन, कितना आया 30,000। समझ में आ गया ना मैं किस तरह से चीजें कर रही हूँ? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो लिख दो 2B's कमीशन। यही चीजें हम मैनेजर्स कमीशन के साथ में भी करते हैं, बट मैनेजर्स कमीशन कहां पर दिखाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कितना आ गया 30,000। और कुछ रहता है क्या हमारे पास में? कमीशन का काम भी हो गया, प्रॉफिट्स वाला काम हो ही गया, बस खत्म हमारा अकाउंट। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास में है 4,92,000, यहाँ पर भी सेम आएगा 4,92,000, इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 42,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, तो ये हमारे पास में आ रहा है 1,92,000। इसे हम लोग माइनस करेंगे 4,92,000 में से, तो हमारे पास में यहाँ आ रहा है 3,00,000। कितना आ रहा है 3,00,000, ये हमारे प्रॉफिट्स है, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, अच्छा अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारे पास में, 2:1 है, कितना है 2:1 है, तो वो भी निकाल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है 2:1 है, कितना है रेशियो 2:1। सबसे पहले ए का निकाल देते हैं, प्रॉफिट्स कितने आए थे 3,00,000 आए थे, 3,00,000 इनटू 2 अपॉन 2+1 कितना होगा 3 होगा, ये कैंसिल हो गया 1,00,000, 1,00,000 इंटू 2 कितना आएगा, ए का आ गया हमारे पास में 2,00,000। सेम ऐसे ही बी का भी निकाल देते हैं, कितना होगा 3,00,000 इंटू 1/3, ये कैंसिल होके हमारे पास में आ गया 1,00,000, तो बी का आ गया 1,00,000। तो 2,00,000 और 1,00,000 क्या हो गया, प्रॉफिट में से शेयर हो गया, लिख देते हैं 2,00,000 और 1,00,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बता रही हूं, हम यहां पर एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम एस करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, बट कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग सिर्फ एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल दिखाते हैं, बाकी सैलरी हो गया, हमारा कमीशन हो गया, आईओसी हो गया, प्रॉफिट या लॉसेस का शेयर हो गया, ये सारी चीजें हम लोग कहां दिखाते हैं, हमारे करंट अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। समझ में आ गई चीजें? ये हम लोगों ने हमारे प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब जर्नल एंट्री पास करना तो एकदम आसान है, देख देख के हम लोग पास कर सकते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख देख के। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री मैंने क्या सिखाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी कुछ यहां लिखा है इसे ऊपर लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कौन से अकाउंट के अंदर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आ रहा है, दूसरी तरफ वो दिखा दो। मतलब जो बाय वाला होता है ना, जो क्रेडिट साइड पे लिखा है, वो एंट्री के अंदर डेबिट हो जाता है। तो सबसे पहली एंट्री करते हैं, मैं लिख रही नहीं हूं, नरेशन आप लोग लिख देना, क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, वही लिखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो बाय वाला है उसे आपको डेबिट करना है, क्रेडिट वाले को डेबिट करना है। कौन से अकाउंट के अंदर दिखा रहे हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट होती है क्वेश्चन के अंदर, डेट भी आपको लिखनी है, और ये कितना अमाउंट है हमारे पास में, 4,92,000। हम हमारा फाइनल वाला अमाउंट दिखाएंगे एडजस्टमेंट करने के बाद वाला, 4,92,000 पहली चीज हो गई। सेकंड हमें जर्नल एंट्री करनी है, सेकंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सैलरी की एंट्री करेंगे। याद करो, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, इनकी दो एंट्री होती है, एक चार्ज करने की एंट्री और सेकंड एंट्री होती है ट्रांसफर करने की एंट्री। तो सबसे पहले सैलरी की एंट्री करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सैलरी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी
अकाउंट डेबिट, सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, बट ये सैलरी मिल किसको रही है, पार्टनर को मिल रही है, तो किसको मिल रही है, वो भी बी को मिल रही है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू बी इज करंट अकाउंट। अच्छा, मैंने करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल्स यहां पर क्या है, फिक्स्ड है, तो सैलरी का अमाउंट कितना था, 42,000 था, ये सैलरी की हम लोगों ने एक एंट्री कर दी, लिख देना फॉर चार्जिंग सैलरी, ये हम लोगों ने सैलरी क्या करी है, चार्ज करी है, फॉर चार्जिंग सैलरी, ये हम लोगों ने सैलरी चार्ज कर ली, सैलरी एक्सपेंस था तो डेबिट करा, और किसको मिल रही है, बी को मिल रही है, तो बी के अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, बी के पास में कुछ आ रहा है ना, जब आता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, यहां पर करंट दिखाएंगे हम लोग। अब हमें इस सैलरी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है, तो जो डेबिट करा था उसे दोबारा से क्रेडिट कर दो, यहां पर लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, और कौन से अकाउंट के अंदर गई, यहां पर अकाउंट का नाम आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, वही अमाउंट आ जाएगा, कितना है 42,000। कोई दिक्कत यहां तक, किस तरह से मैं एंट्रीज कर रही हूं, मैं एंट्रीज करना भी सिखा चुकी हूं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो चेक कर लेना। ये एंट्री मैंने सिंपल सा ऐसे करा, टू बीस करंट अकाउंट, कौन से अकाउंट के अंदर आ रहा है वो अकाउंट लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट, समझ में आ गया। सेकंड एंट्री मुझे करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक एक्सपेंस है, तो सबसे पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है, ए और बी दोनों को मिल रहा है ना, तो ए इज करंट अकाउंट। ये चीजें ध्यान रखनी है, जब आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग हैं, उस अकॉर्डिंग लिखना है, टू बी इज करंट अकाउंट, ये हम लोगों ने लिख दिया। कितना कितना बन रहा था, आईओसी बन रहा था 80-40, तो ये आ गया 80,000, ये आ गया 40,000, और यहां पर गया हमारा पूरा का पूरा 1,20,000। अब हमें इस आईओसी को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो दोबारा कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, और इस बार पूरा अमाउंट आएगा 1,20,000, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है, ये काम भी हो गया। नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास में, कमीशन वाला काम है, बी को कमीशन मिल रहा है कितना, 30,000 का, तो इसका काम कर देते हैं कमीशन, अगेन फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म का एक्सपेंस लिख दिया हम लोगों ने डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, किसको मिल रहा है, 20 करंट अकाउंट, कितने का मिल रहा है कमीशन, 30,000 का, ये 30,000 लिख दिया, यहाँ पर मैंने ट्रांसफर नहीं करा था 1,20,000, वो भी लिख देते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, कमीशन को ट्रांसफर करना है, कैंसिल कर दो टू कमीशन अकाउंट, और कौन से अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट आ जाएगा 30,000, कोई दिक्कत यहां तक। लास्ट एंट्री हम लोग किसकी करेंगे, लास्ट एंट्री हम लोग हमारे प्रॉफिट्स की करेंगे, सिंपल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट टू बी इज करंट अकाउंट, ये एंट्री भी कर देती हूँ ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, पीछे स्पेस नहीं है बट मैं यहां पर कर रही हूं। क्या एंट्री करेंगे हम लोग इसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, किसको मिल रहा है, एस करंट अकाउंट, मतलब जितनी भी चीजें पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट आएंगे उन्हें क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट आएंगे उन्हें डेबिट कर दो, बहुत ही सिंपल सा है, टू बीस करंट अकाउंट, ए को कितना मिल रहा था, 2,00,000 मिल रहा था, बी को कितना मिल रहा था, 1,00,000 मिल रहा था, और टोटल हमारा कितना था, 3,00,000 था, वो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हो गई सारी जर्नल एंट्रीज। लास्ट काम हम लोगों को क्या करना है, हमें कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड है, जब फिक्स्ड होती है तब दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा बनता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं, तो हमारे पास में डेट कितनी गिवन है, हमारा ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस है 10,00,000 और 5,00,000, वो भी किस तारीख को, 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है, तो 2022 1 अप्रैल यहां पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है हमारे पास में, 10,00,000 और 5,00,000, तो ये हमारे पास में आ गया 10,00,000 और ये आ गया 5,00,000। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर एडिशनल कैपिटल आई है तो इधर बाय बैंक आएगा क्रेडिट साइड में, और अगर परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ करा है तो टू बैंक आएगा, बट हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर ना एडिशनल कैपिटल थी ना परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल था, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट हमारा खत्म हो गया, यहां पर कुछ नहीं आएगा, कुछ हमारे पास में है ही नहीं दिखाने के लिए, तो ये 10,00,000 हो गया,
ये हमारा 5 लाख हो गया। यहाँ पर सिंपल हमारा ईयर एंड हो गया 2023, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 31 मार्च, और ये हमारा आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस के अंदर हम एज इट इज दिखा देंगे 10 लाख और 5 लाख, कोई दिक्कत यहां तक। ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमें बनाना है हमारा करंट अकाउंट। अगेन डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम, डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम क्रेडिट साइड में। अब यहां पर हम लोग बाकी चीजें दिखाएंगे, यहां पर बैलेंस हमारे पास में है ही नहीं। अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से गिवन होता, क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है तो हम करंट अकाउंट का बैलेंस भी लिखते, ओपनिंग बैलेंस, बट यहां पर गिवन नहीं है। तो पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीजें यहां आएंगी। यहां पर बी को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है 42,000 की। तो सबसे पहले हम लोग सैलरी दिखाएंगे। ये सारा काम साल के एंड में होता है, 2023 31 मार्च का काम है ये। क्या आएगा सबसे पहले, बाय सैलरी आएगी, और सैलरी सिर्फ किसको मिल रही है, बी को मिल रही है। कितने की सैलरी मिल रही है, 42,000 की। और क्या मिल रहा है यहां पर देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 80,000 और 40,000। तो यहां पर आ जाएगा सेम डेट पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80 और 40। तो ये हमारे पास में आ गया 80,000 और 40,000। और क्या मिल रहा है चेक कर लो, यहाँ पर बी का कमीशन भी मिल रहा है, कितना है 30,000 है। तो यहां पर आएगा बाय कमीशन कितना है 30,000 है बी का कमीशन। और लास्ट में प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना था शेयर ऑफ प्रॉफिट याद करो, एक को मिल रहा था 2 लाख और एक को मिल रहा था 1 लाख। अब देखो यहां पर कोई ड्रॉइंग्स नहीं है, ड्रॉइंग्स होती तो डेबिट साइड में आती, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो वो भी डेबिट साइड में आता, बट कुछ भी हमारे पास में गिवन नहीं है। एज इट इज टोटल करो कितना आ रहा है 2,80,000। इस साइड का टोटल करो 1,00,000, 1,70,000 हो गया, 1,70,000 प्लस 42,000, तो ये हमारे पास में आ रहा है 2,12,000। सेम एज इट इज यहां पर लिख देंगे 2,80,000, ये हमारे पास में है 2,12,000। हमारा ईयर एड हो रहा है 2023, 31 मार्च की बात है। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारे पास में आ गया क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2,80,000, और इसका हो गया 2,12,000, कोई दिक्कत यहां तक। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी, ये कैपिटल सी है, वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ दिस दिस दिस। अच्छा इतनी इतनी कैपिटल है, 60,000 60,000 80,000, कोई साइन मेंशन नहीं होता, मतलब कैपिटल का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, मेंशन नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। अच्छा करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे है, मतलब समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग दे रखा है, मतलब यहां पर कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल होंगी, मतलब दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा। कितना कितना है, ए का बैलेंस इतना है, बी का बैलेंस इतना है, सी का बैलेंस इतना है, बट सी का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। अगर मेंशन नहीं होता तो हमेशा कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। मैंने बताया था ना कैपिटल अकाउंट का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है, बट सी के लिए अलग से मेंशन है कि उसका बैलेंस कैसा है, डेबिट है। मान लो ये क्वेश्चन होता है जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है ना, तो यहां पर हम दिखाते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का इधर दिखाते, बी का इधर दिखाते, सी भी पार्टनर है बट सी का इधर दिखाते, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी का इधर दिखाते, क्योंकि उसका बैलेंस कैसा है, डेबिट नेचर का है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा 10% नेट प्रॉफिट हमें कहां पर ट्रांसफर करने हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं, बिल्कुल कर देंगे। पार्टनर्स को IOC मिलना चाहिए 5% पर एनम, सी हमारा वर्किंग पार्टनर है तो इसे सैलरी भी मिलती है 12,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी है, मंथ की सैलरी नहीं है। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज, हमें प्रॉफिट्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, जितना भी प्रॉफिट बचेगा ना, उस प्रॉफिट का जो शुरुआत का 20,000 प्रॉफिट है उसे तो हम कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कैपिटल कितनी थी, 60 60 80, कैपिटल है, करंट की मैं बात नहीं कर रही, 60,000, बी की कितनी है 60,000 और सी की कितनी है हमारे पास में 80,000, काट दो जितना कट रहा है, ये 40 40 40 कैंसिल हो गई, कितना बचा 6:6:8, ये भी कट जाएगा 2 से, 2 3 6 2 3 6 2 4 8, तो ये रेशियो आ रहा है 3:3:4। तो पहला जो 20,000 प्रॉफिट है वो इस रेशियो में डिवाइड
डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद में अगले 30,000 प्रॉफिट्स जो हैं वो इस रेशो में डिवाइड होंगे 5:3:2, और उसके बाद में भी अगर प्रॉफिट बच जाते हैं तो उन प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करा जाएगा, इक्वली डिवाइड होंगे। ये काम अभी हम करेंगे वर्किंग नोट्स के अंदर। प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,80,000 है, कुछ भी नहीं दे रखा ना, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग कुछ भी नहीं गिवन है, डायरेक्टली लिखा है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। ठीक है, अच्छी बात है, हमें बिफोर चार्जिंग ही चाहिए कि कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस है तो हम उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हमें सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आसान सा क्वेश्चन है, देखो बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन में खेल कहां है। यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, एज पर पी एंड एल अकाउंट। ये हमारे पी एंड एल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। कितना है नेट प्रॉफिट, 1,80,000 है। कितना है, 1,80,000 है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं, टू जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दो, वो भी नेट प्रॉफिट का 10%। तो नेट प्रॉफिट कितने है, 1,80,000 है, इसका 10% ऐसे ही निकालते हैं ना, ये इसका 10% निकाल देते हैं, तो इसका 10% हमारे पास में आ गया 18,000। कोई दिक्कत यहां तक। आगे नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन पार्टनर्स है ना हमारे पास में, ए बी सी, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। मैं वर्किंग नोट नहीं बना रही, ऐसे ही बता रही हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। 5% पर एनम है, ये आईओसी कैपिटल पर देना होता है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस पर नहीं देना होता। तो मान लो ए का कितना होगा, ए की कैपिटल कितनी है, 60,000 है, 60,000 का 5% निकाल लो, कितना आएगा 60,000 का 5%, 6,530,000 आ गया। सेम ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी की कैपिटल भी कितनी है, 60,000 है, वही 5% पर एनम। ये काम आपको सारा वर्किंग नोट के अंदर दिखाना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 3,000। सेम ऐसे ही सी का भी निकालेंगे, सी की कैपिटल थोड़ी सी अलग है, कितनी है, 80,000 है, 80,000 का 5%, तो 8,540, ये आ गया हमारे पास में 4,000। तो ए का 3, बी का 3 और सी का कितना आया, 4 आया, लिख देते हैं, ए का 3,000, बी का भी 3,000 और सी का कितना आया है, 4,000 आया है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10,000 हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे काम हमें क्या करना है, आगे बस हमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा अच्छा, सैलरी भी मिलेगी, सी को सैलरी मिलेगी कितनी, 12,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी है, तो टू सीज सैलरी कितनी है, 12,000 सी की सैलरी है। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, द प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोस, जो भी प्रॉफिट्स आए हैं उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत ही ध्यान से समझना। ये 1,80,000 है इधर हमारे पास में, इधर भी 1,80,000 आएगा, इन तीन का टोटल कर दो, 18, 10 और 12, इन्हें टोटल कर दो, 18 + 10 + 12, तो ये हमारे पास में आ रहा है 40,000। इस 40,000 को 1,80,000 में से माइनस कर दो, 1,80,000 में से 40,000 गया, तो ये तो 1,40,000 आएगा। ये 1,40,000 क्या है, हमारे प्रॉफिट्स हैं। ये प्रॉफिट्स किसके पास में जाएंगे, हमारे पार्टनर्स के पास में जाएंगे, तो लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीस करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड हैं। जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तो प्रॉफिट हो गया, सैलरी हो गया, आईओसी हो गया, ये सारी चीजें कौन से अकाउंट में जाती है, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती। तो यहां पर लिखेंगे एस करंट अकाउंट, ठीक है, बीस करंट अकाउंट, अब बस प्रॉफिट निकालना है उसका खेल है, ठीक है, बीस करंट अकाउंट, और एक हो गया हमारा सीस करंट अकाउंट। अब सबसे मेन बात है, ये जो 1,40,000 का प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इसके लिए हम लोग हमारे वर्किंग नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। ये हमारे वर्किंग नोट है, अब इसके अंदर हम लोग एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे। यहां पर एक तरह से काम करो, पर्टिकुलर्स लिख लो, अगर लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। यहां पर ए लिखो, यहां पर बी लिखो, यहां पर सी लिखो, ये हमारे तीन पार्टनर्स हैं,
और ये लाइन बना दी, अब काम करना शुरू करते हैं। प्रॉफिट कितने हुए हैं, सबसे पहले देख लो प्रॉफिट कितना है हमारे पास में, 1,48,000 है। कितना प्रॉफिट है यहाँ पर लिख लो, 1,40,000 है। अब प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर लिखा है जो शुरुआत के 20,000 प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल के रेशियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत के 20,000 प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट 20,000, कैसे, इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। मतलब ये जो 1,40,000 है ना, इसमें से 20,000 जो रुपए है उसे हमें कैपिटल के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हमारे पास में कितने बचेंगे, 1,40,000 में से 20 गया, 1,20,000 बच जाएंगे। कैपिटल का रेशियो हम लोग निकाल देते हैं, कितनी कितनी थी कैपिटल हमारे पास में, 60,000, 60,000, 80,000। ध्यान रखना करंट अकाउंट का नहीं लेना है, तो ये 60,000 रेशियो निकालना है ना हमें, 60,000 और ये हमारे पास में आ गया 80,000। तो ये 4 0 से 4 0 4 0 कैंसिल हो गई, 6 6 8 बचा, ये अगेन हमारा कट जाएगा, 2 3 6 2 3 6 और 2 4 8, तो ये हमारे पास में रेशियो आ गया। तो हमें इस 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो के अंदर। तो ए को कितना मिलेगा, 20,000, ठीक है, इनटू ए का शेयर कौन सा होएगा, पहले वाला होएगा 3, नीचे टोटल आएगा 3 + 3 6 6 और 4 10 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 2,000 × 3 ये आ गया हमारे पास में 6,000। बी का भी सेम आएगा क्योंकि 3 है, 20,000 × बी का भी सेम आएगा 3/10, तो ये भी आएगा हमारे पास में कितना, 6,000। अब सी का निकालते हैं, 4 है, 20,000 × 4/10 ये कैंसिल हो गया, 4 2 8, ये कितना आ गया, 8,000। टोटल करके देख लो 20 आना चाहिए, 6 और 6 12 12 और 8 20 हो गया, ठीक है भाई, 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आगे का काम सेकंड क्या है हमारे पास में, सेकंड हमारे पास में गिवन है जो अगले 30,000 है उसे हमें 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30,000 रुपीज को 5:3:2, तो लिख दो नेक्स्ट 30,000 × 5:3:2 के अंदर। तो भाई ए को कितना मिलेगा, 30,000 × 5 और नीचे टोटल आएगा, तो 5 और 3 8 8 और 2 10 हो गया, तो ए को कितना मिलेगा, जैसे निकाल के दिखा देती हूँ मैं, 30,000 × ए का शेयर कौन सा है, 5/10 होएगा, ये कैंसिल हो गया, 5 3 कितना आ गया हमारे पास में, 15,000, ये 15,000 आ गया। सेम ऐसे ही हम बी का भी निकाल लेंगे, 30,000 × 3/10 आएगा, कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास में 9,000। सेम ऐसे ही सी का भी निकालेंगे, 30,000 × 2/10 कैंसिल हो गया, 3 2 6 ये हमारे पास में 6 आ गया। टोटल करके देख लो 15 9 और 6 हमारे पास में कितना आ रहा है, 15 + 9 + 6 ये हो गया 30,000। अब आगे क्वेश्चन कहता है लास्ट रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच गया उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच गया। तो हमें कैसे पता चलेगा भैया जी रिमेनिंग कितना बच गया, कैसे निकाले रिमेनिंग, तो रिमेनिंग भी निकाल सकते हैं। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था, 1,40,000 का हुआ था, चेक कर सकते हो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है, 1,40,000 का है, उसमें से 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 1,40,000 में से पहले तो 20,000 माइनस कर दो, ठीक है माइनस कर दिए, फिर उसमें से 30 भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर 30,000 भी माइनस कर दो, तो हमारे पास में आ रहा है 90,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स वो भी कितने, 90,000। ये 90,000 कैसे आए हैं, 1,40,000 में से हम लोगों ने 20,000 माइनस करा, फिर 30,000 भी माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग 90,000 आए हैं उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1:1 के अंदर। तो 30,000 को सिंपली 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे मतलब इसको मिल गए 30,000, इसको मिल गए 30,000 और इसको मिल गए 30,000। ये हमने हमारे प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, जैसे मान लो ए का निकालना है तो 90,000 आया, 90,000 × ए का कितना होगा, 1 होगा, अपॉन 1 + 1 + 1 = 3, तो ये कितना आएगा, 30,000 आएगा ना, सबका 30,000 आ जाएगा क्योंकि रेशियो क्या है, सेम है। अब हमें हमारे प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो ये हमारे प्रॉफिट्स का टोटल आ जाएगा, 6,000 मिल रहा है ए को, 15,000 मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, तो ए को कितना मिल रहा है, 6,000 + 15,000 + 30,000, तो ए को मिल रहा है 51,000, ठीक है। बी का मिल रहा है 6 और 9 6 + 9 + 30,000, तो बी को मिल रहा है 45,000। सी को मिल रहा है 8 6 और 30,
एट प्लस सिक्स प्लस 30, इसको मिल रहा है 44,000। ये प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 51, 45, 44, 51,000, 45,000, और 44,000। समझ में आ गया किस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन करा। अब चेक कर सकते हो, तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस करने पर 1,40,000 आना चाहिए। चेक कर लो, 51 प्लस 45 प्लस 44 कितना आ रहा है हमारे पास में, 1,40,000। मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने मैनेजर्स कमीशन कंप्लीट करा, फिर मैंने आपको पार्टनर्स कमीशन भी सिखा दिया। पार्टनर्स कमीशन के साथ में हम लोगों ने एक और क्वेश्चन करा बिफोर आफ्टर वाला, अच्छे से समझने के लिए। और लास्ट में आपको मैंने दिखाया कि भाई कैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। और एक क्वेश्चन और करा दिया मैंने आपको कि भाई नेट प्रॉफिट को किस तरह से अलग अलग तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन करा ना कि 20,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो कैपिटल के प्रोपोर्शन में, नेक्स्ट 30,000 को इस रेशियो में कर दो, बचे हुए को इक्वली कर दो। तो हर तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हमारे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं फंडामेंटल्स के। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे जो वो सिचुएशन जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, तब फर्म पार्टनर को क्या देती है, उस लोन पर इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक यहां तक अच्छे से पढ़ के रखना और साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। इस जैसे जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर हैं, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, डीके गोयल हो, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना साथ साथ में, ताकि यहां तक का कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।